और ये एरिया है कासारी ऋषिकोट के पास। আমাৰ সূৰ্যটো গেছ আৰু ধূলি কণাৰ সমষ্টিৰে গঠিত আৰু অৱশিষ্টখিনি ইয়াৰ চাৰিওফালে কাহিনীৰ আকাৰত কিছুৰ অংশ পৃথিৱী মংগল বৃহস্পতি শনি ইউৰেনাছ আৰু নেপচুন আৰু কিন্তু মংগলৰ গঠন হৈছিল পানীৰ জুলীয়া অৱস্থাটো পানীলে লে লিয়া টিকট কালে আন্দোলন লোক দেখা স্টুডেন্টস দেখে দেখা সারা। हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल। फिर से नए ब्लॉग में आप लोगों को स्वागत करते हैं। मैं जा रहा हूँ आज आप लोगों को दिखाने के लिए प्लेनेटेरियम, जो कि गुवाहाटी में है। मैं गुवाहाटी में ही हूँ अभी फिलहाल, तो कुछ काम था वो कर लिया फिनिश, तो अभी चलते हैं दिखाते हैं आप लोगों को। चलिए चलते हैं। वीडियो कैसे बना रही है, अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट कर लीजिएगा। चैनल में है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए ब्लॉग कर लिया है स्टार्ट आप लोगों को दिखाने के लिए गुवाहाटी का प्लेनेटेरियम। तो कहाँ में है कंप्लीट आप लोगों को जानी दिखा रहे हैं। देखिए मैं अभी हूँ गुवाहाटी, तो अभी जा रहे हैं जीपीएस थ्रू। चलिए चलते हैं, वीडियो के साथ बना रही है। कितना फेयर है, कितना बड़ी टिकट का दाम है कंप्लीट दिखाएंगे। तो अभी टाइम हुआ है 2:30 हो गया ऑलमोस्ट, तो आप लोगों को दिखाते हैं। चलिए वीडियो पे बने रहिए। नेहरू पार्क के पास रोप वे टर्मिनल, लास्ट वीडियो में जो आप लोग देखे थे यहां से रोप वे किए थे। डेस्टिनेशन है, ज्यादा दूर नहीं है, बस 500 मीटर दूरी में है। और ये एरिया है कासारी ऋषिकोट के पास। पार्किंग यहाँ पे करना होगा। तो बाइक को कर लिया है पार्क, आप लोग देख सकते हैं यहाँ से चलेंगे अंदर। ये है मेरा डेस्टिनेशन, आप लोग देख सकते हैं गुवाहाटी तुरागृह गुवाहाटी प्लेनेटेरियम। चलिए अंदर तक चलेंगे, आप लोग को कंप्लीट दिखाएंगे जर्नी। चलते हैं चलिए। तो ये अंदर जा रहे हैं आप लोगों को दिखाने के लिए मेन गेट, आप लोग देख सकते हैं कंप्लीट दिखाएंगे, बने रहे वीडियो के साथ। ये एंट्री कर रहे हैं, आप लोगों को देखिए अंदर का व्यू कैसा है, बहुत ही अच्छा है, बहुत ही मतलब नेचुरल, देख सकते हैं वीडियो के थ्रू, ये चैनल के थ्रू। देखिए कितना अच्छा से डेकोरेट भी करके रखा है। अभी एक शो ख़त्म हुआ है, देख सकते हैं लोग निकल रहे हैं। ये है टिकट काउंटर, आप देख सकते हैं जेंट्स लेडीज देख सकते हैं। देखिए अभी काउंटर में कोई भी नहीं है, क्योंकि तीन बजे से फिर से शो शुरू होगा, तो 3 बजे से पहले 10 मिनट पहले शो का टिकट देंगे, तब तक के लिए थोड़ा वेट करना होगा, थोड़ा रुक जाते हैं। तो अभी भी थोड़ा टाइम है, इसीलिए थोड़ा देखते हैं आउटसाइड का आप लोगों को व्यू दिखाते हैं। और देखिए लोग वेट कर रहे हैं, टिकट काउंटर पे रुका हुआ है, टिकट काउंटर में कोई भी नहीं है, क्योंकि 3 बजे से पहले टिकट देगा। तो थोड़ा साइड का व्यू देखिए गाइस, बहुत ही सुंदर से डेकोरेट करके रखा, नेक्स्ट लेवल मतलब डेकोरेट करके रखा। और रात के टाइम में तो बहुत ही अच्छा लगेगा, क्योंकि बहुत ही लाइटिंग फैसिलिटी करके रखा है, देख सकते हैं साइड का व्यू देखिए। थोड़ा सा टाइम है, इसीलिए आउटसाइड में आया थोड़ा सा टहलने के लिए। देखते हैं थोड़ा टाइम वेट करते हैं, क्योंकि 3 बजे से शो शुरू होगा, सो थोड़ा वेट करते हैं। साइड से व्यू देखिए गाइस, बहुत ही सुंदर लगता है। ये फ्लावर का मतलब फिर ऐसा लगा कर रखा है, बहुत ही सुंदर है, देख सकते हैं नेक्स्ट लेवल है, चेक करें गाइस। तो थोड़ा सा टाइम है इसीलिए आउटसाइड पे आया। और ये है गुवाहाटी उजान बाज़ार में, आप लोग आने से आ सकते हैं उजान बाज़ार गुवाहाटी, जो कि मतलब उजान बाज़ार में है ये गुवाहाटी प्लेनेटेरियम। आप लोग आने से यहाँ पे आ सकते हैं, यहाँ पे बहुत ही अच्छा लगता है,
ये प्लेस आप लोग अगर खुद से आते हैं तो बहुत ही मज़ा आएगा फैमिली के साथ, और ख़ास करके बच्चा लोग बहुत ही मतलब एंजॉय कर सकते हैं, स्टूडेंट्स लोग बहुत ही आते हैं। देखिए कितना सारा लोग निकल रहे हैं उधर से शो देख के प्लेनेटोरियम का। तो बाहर से प्लेनेटोरियम का व्यू कुछ ऐसा लगता है, देखिए रोड साइड में ही आप लोग देख सकते हैं, चेक करें गाइस, बहुत ही सुंदर है, पूरा चौक के साथ ही है, पास में ही है रुझान बाज़ार। देख सकते हैं कितना मदरसा का स्टूडेंट्स लोग आए हैं प्लेनेटोरियम में, देख सकते हैं कितना सारा लोग, कितना सारा स्टूडेंट्स, टीचर्स, स्टाफ, ऐसा कुछ बहुत सारा आया है। तो ये आउटसाइड का व्यू है, जो कि मतलब टाइम थोड़ा है इसलिए आया था आउटसाइड। ये देखिए टिकट काउंटर में क्या लिखा हुआ है, कितना टाइम से कितना टाइम तक शो है, कितना टाइम में इंग्लिश होता है, कितना टाइम में असमिस होता है, सब कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है, कितना बजे से स्टार्ट होता है आप लोग देख सकते हैं। तो देख सकते हैं कितना सारा स्टूडेंट्स इकट्ठा हो गया है यहाँ पे, और भी स्टाफ आया है, देख सकते हैं बहुत सारा स्टूडेंट्स लोग यहाँ पे रुका हुआ है। पानी ले लिया टिकट, चलेंगे अंदर आप लोगों को दिखाएंगे, स्टूडेंट्स दिखे कितना सारा। अंदर में एंट्री करने के बाद व्यू कुछ ऐसा है, देख सकते हैं, तो एंट्री ले रहे हैं स्काई थिएटर, चलिए अंदर का व्यू कुछ ऐसा है, देखिए डेंजर डोंट टच लिखा हुआ है, स्टूडेंट्स लोग देख सकते हैं। स्टार्टिंग कुछ ऐसा है, देख सकते हैं स्टार्टिंग हो गया, स्टार्टिंग नज़ारा ये गैलेक्सी स्काई देख सकते हैं, स्टार्टिंग कुछ ऐसा है। প্রায় চারিশ বছৰ শীতকালৰ আগেয়ে কণী আৰু জ্যোতিৰ্বিজ্ঞানৰ এজন প্ৰভাৱ সংযোগ ব্যক্তি আছিল যি চন্দ্ৰপৃষ্ঠৰ পৰ্বত আৰু গহ্বৰবোৰ দেখিছিল, ইয়াৰ পূৰ্বে মানুহে চন্দ্ৰটো একেবাৰে মচুৰ বুলি কথা দিছিল, কিন্তু বিজ্ঞানীসকলে কিছু সংখ্যকৰ উত্তৰ বিচাৰি উলিয়াইছে, কিন্তু কিছু এতিয়াও বাকী। ব্ৰহ্মাণ্ডখন সকলো বৃহৎ ৰহস্যৰে উদ্ভৱ আৰু নতুন আৱিষ্কাৰবোৰেৰে ইয়াৰ গোপনীয়তা মানৱ জাতিৰ বাবে ইতিহাসজোৰা এক আশ্চৰ্যৰ উৎসৱ। পিছলৈ কিছুসংখ্যক মহামনীষীয়ে ব্ৰহ্মাণ্ডখনৰ প্ৰকৃতি সম্বন্ধে মতবাদ কৰাইছে যে ইয়াত আজিৰ ব্ৰহ্মাণ্ডৰ কাহিনীটো অতীতৰ মহান কেনেকৈ নোৱাৰিল। কিছুসংখ্যকে বিশ্বাস কৰে সুদূৰ অতীতত ইয়াৰ সৃষ্টি হৈছিল, আৰু অনুমান মতে ব্ৰহ্মাণ্ডখন গ্ৰহটোৰ সৈতে অন্য গ্ৰহকেইটাও আচলতে সূৰ্যৰ চাৰিওকাষেহে ঘূৰি আছে। আজি আমি জানো সূৰ্যটো এটা সাধাৰণ নক্ষত্ৰহে, আমাৰ হাতীপতি তাৰকাৰাজ্যৰ 400 শতকোটি নক্ষত্ৰৰ ভিতৰত এটা। আনহাতে যদিও আমাৰ তাৰকাৰাজ্যখন ৰাজ্যগ্ৰহলৈ চাওঁ, আমাৰ হাতীপতি তাৰকাৰাজ্যখন নক্ষত্ৰবোৰ প্ৰায় 10 শতকোটি বছৰ পুৰণি, য'ত নেকি নৱাগতবোৰৰ বয়স মাত্ৰ কেইলাখমান বছৰহে। আমাৰ সূৰ্যটো গেছ আৰু ধূলিকণাৰ সমষ্টিৰে গঠিত সৌৰ নিহাৰিকাৰ পৰা 450 কোটি বছৰ পূৰ্বে এই বিস্ফোৰণৰ পৰা নিৰ্গত আলোড়িত তৰংগ সৌৰজগতৰ সৃষ্টিত বাতৰি দিছিল। গেছ আৰু ধূলিকণাৰ ডাৱৰখিন অধিক সূৰ্যটোৰ জন্ম হ'ল, পদাৰ্থই পিছৰ পৰ্যায়ত গোট খাই গ্ৰহগ্ৰহৰ সৃষ্টি কৰিলে। বুধ, শুক্ৰ, পৃথিৱী, মংগল, বৃহস্পতি, শনি, ইউৰেনাছ আৰু নেপচুন, অৱশিষ্ট ক্ষুদ্ৰতৰ টুকুৰাবোৰেৰে প্লুটোৰদৰে পাওনা গ্ৰহবোৰৰ লগতে গ্ৰহাণু আৰু ধূমকেতুবোৰৰ গঠন হৈছিল। আঠোটা গ্ৰহৰ ভিতৰত তৃতীয় শাৰীত থকা কেৱল মাত্ৰ পৃথিৱী একমাত্ৰ গ্ৰহ য'ত জীৱৰ সঞ্চাৰ হ'ব পাৰে। শুক্ৰৰ দৰে ই সূৰ্যৰ নিকটতো নাই যে পানী বাষ্প হৈ যায়, আৰু মংগলৰ দৰে আঁতৰতো নাই, তাৰ পৃথিৱীখন খুব তপত আছিল কিন্তু বায়ুমণ্ডল নাছিল। আন এটা মতবাদ অনুসৰি পৃথিৱীৰ জনগণৰ সৃষ্টি কৰিছিল ইয়াৰ সৈতে সংঘৰ্ষ হোৱা। আপুনি যদি মহাকাশৰ পৰা আমাৰ গ্ৰহটোৰ জন্ম লগ অতিৰিক্ত 50 কোটি বছৰ পাৰ হোৱাতহে ব্লু গ্ৰীণ এলজিৰ দৰে প্ৰাক প্ৰাথমিক জীৱনে পাতনি মেলে। পিছৰ 50 কোটি বছৰত বেক্টেৰিয়া আৰু
ভ্রমণকারী আর সংগ্রহকারী পড়া আজি আমি স্থায়ী বাসিন্দা। জীবন নির্বাহ তো সহজ হওয়ার লগেলগে ব্রহ্মাণ্ডর কথা বুঝব চেষ্টা করে আছি। বর্তমান আমি এইবর করবলে ক্রমান্বয়ে অতি উন্নত প্রশিক্ষণ আর কম্পিউটারের সহায় আর ব্রহ্মাণ্ডখনের বিষয়ে একটা সম্ভব ধারণা গড়ব চাও। এটা ডাঙর প্রশ্নে আমাক বিভিন্ন করে ব্রহ্মাণ্ডর পাঠপুরুষ জীবন আছে নাকি? কিছু সংখ্যক মহাকাশ নিরীক্ষকে বহিগ্রহর জীবনের বাবে নিরন্তর অনুসন্ধান চলাইছে। শেহতীয়াভাবে আমি গ্রহীয় প্রণালী থকা অন্যান্য জীবনের সন্ধান লাভ করা মানু সেই প্রক্রিয়াটির বাস্তব রূপ যে মহাজগতর চেতনা আনিছে আর ইয়ার যোগে ব্রহ্মাণ্ডখনের অস্তিত্ব কল্পনা করি। আমার সম্মুখত উদ্ঘাটিত প্রতিটি বস্তু বা পরিঘটনার লগত আমি অনিচ্ছাকৃতভাবেই জড়িত। এখন অবিশ্বাস্যভাবে বিশাল ব্রহ্মাণ্ডর আমি কিছুমান ক্ষুদ্র অংশগ্রহণকারী এটা প্রজাতি হিসাবে আমার ভবিষ্যৎ ব্রহ্মাণ্ডর ভবিষ্যতের লগত একান্তভাবে জড়িত। পৃথিবীর জলবায়ুর যথেষ্ট পরিবর্তন হবে। পৃথিবীর খোলাটোর উপর ভাঙি থাকা মহাদেশে ইখনে সিখনক খুলিয়ায় প্রাচীন পর্বত পাহাড়বোর ধ্বংস করে নতুন সৃষ্টি করে ইয়াই যে বিজ্ঞানের সৌন্দর্য। পানী দি হামলোক যা রে বাপাস হোগে দেখে নি বহুত মজা আয়া হামলোক যা রে বাপাস তা হবে তো যা রে বাপাস कैसा लगा आज का ब्लॉग प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अच्छा लगे तो लाइक शेयर और कमेंट कर दीजिएगा। मिलते हैं एक नया ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय। निकल रहे पास लाइक के पास तो आज का ये ब्लॉग यहाँ पे ही ख़त्म करते हैं। मैं पहुँच गया बाइक के पास, ये मेरा बाइक। तो मिलते हैं एक नया ब्लॉग पे, तब तक के लिए बाय।